उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सरकारी स्कूल में एक मुस्लिम टीचर ने बच्चों को स्कूल में मुस्लिम टोपी पहनकर आने का फरमान सुनाया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। ये मामले में बिजनौर के बनेरा के उच्च माध्यमिक विद्यालय का बताया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों को टोपी पहनकर आने को कहा जाता है और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ले जाया जाता है। यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। BSA ने जांच के आदेश भी दिए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनको तिलक लगाकर स्कूल आने की अनुमति नहीं है, ऐसा करने पर उनका तिलक मिटा दिया जाता है, जबकि मुस्लिम छात्रों को टोपी पहनकर आने के लिए कहा जाता है। वही उनको जबरदस्ती जुम्मे की नमाज पढ़ाने मस्जिद ले जाया जाता है। स्कूल में छठी क्लास में पढ़ने वाले छात्र मयंक ने बताया कि तिलक लगाकर आने के लिए उनकी अध्यापिका आयशा ने मना किया था। वो सभी को तिलक लगाकर आने से रोकती है, लेकिन कुछ छात्र टोपी पहनकर आते हैं तो उनको नहीं रोका जाता है। देखिए, इसमें जो है कहना यह है, पहली बात तो ये प्रकरण जो है मेरी जो समय से थोड़ा बाहर था, मुझे मालूम नहीं था। यहाँ जो दो महिला टीचर है, क्या नाम? एक का नाम जो तंजीर आयशा है और एक का नाम उषा है। एक जो है हिंदू समाज से है और एक जो है मुस्लिम समाज से है। तो इनमें दोनों में आपस में ही थोड़ा ऐसी वो चल रही थी, जिसका मेरे को पता नहीं था। तो जो मुस्लिम टीचर है तन्वी राय, तो वो बच्चों को तिलक लगाने से मना कर, तो उन बच्चों ने जो घर जाकर वो शिकायत की। फिर जो है यहाँ अभी परसों तक जो है 21 तारीख को कुछ मीडिया वाले भी आए यहाँ पर, उनसे बातचीत हुई। लोगों जी मास्टर जी आपके यहाँ जैसे लोग चल रहा है कि आप जो बच्चों को जो तिलक लगाने से मना, मेरे तो संज्ञान में नहीं है। फिर भी जो जब उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ दिखाई तो मुझे जो कुछ पता लगा, फिर मैंने जो इन दोनों टीचरों को जो काफ़ी डांटा और वह समझाया और आश्वासन दिया